Morning, dear student. This is the SST book of class 7th, and today we are going to start the first chapter of civics part. The name of the chapter is Emergence of Democracy, a Historical Perspective. In this chapter, we are going to discuss that how the democracy had been emerged and what is the historical perspective behind the emergence of democracy. So let's start the chapter. In modern times, democracy is the most favored form of government. मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी ही मोस्ट फेवर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस. ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? ग्रीक वर्ड डेमोस. इसका मीनिंग होता है पीपल, लोग. डेमोस का मतलब पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग गवर्नमेंट, मतलब क्रेटोस की मीनिंग गवर्नमेंट. देयर फॉर डेमोक्रेसी मीन्स, तब फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट रूल बाय द पीपल. डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हैव बीन गिवन बाय स्कॉलर्स. हेरोडोटस, अ ग्रीक फिलोसोफर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री. डेमोक्रेसी के लिए तो ये कहा जाता है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा रूल की जाती है. अलग अलग डेफिनेशन स्कॉलर्स के द्वारा दी गई. हेरोडोटस जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी. उन्होंने कहा, डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल. डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो सुप्रीम पावर होती है स्टेट की, वो कम्युनिटी के मेंबर्स के पास होती है. अकॉर्डिंग टू सीली के अकॉर्डिंग, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर. डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सबका शेयर होता है, सबका बराबर का हिस्सा होता है. नाउ एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी वॉज ओरिजिनेटेड इन द ग्रीक सिटी. डेमोक्रेसी जो ओरिजिनेट हुई वो ग्रीक सिटी एथेंस में ओरिजिनेट हुई. इट इज़ सेड दैट मेल सिटीजन्स ऑफ एथेंस गैदर टुगेदर अबाउट 40 टाइम्स अ ईयर इन वॉट नोन एज पीपल्स असेंबली. ऐसा कहा जाता है कि जो मेल सिटीजन्स थे एथेंस के, वो हर साल लगभग 40 बार इकट्ठा होते थे और वो लोगों की सभा होती थी. All citizen except women, slaves and foreign resident. जितने भी citizen थे, किसको छोड़ के? Women को छोड़ के, slaves को छोड़ के और जो foreign resident थे, played a part in the decision making. उनका decision making में एक part होता था. It was a direct democracy which is the real form of democracy. और ये एक direct democracy थी जिसको हम real form of democracy कहते हैं. But it cannot be practiced in modern times because of the size of the population in big states. लेकिन modern time में ये practice नहीं की जा सकती because जो size of population है हर state में, वो क्या है? बहुत बड़ा है. Large size of population is currently present in all the state. Let us trace the different stages that led to the ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम लोग वो ट्रेस करेंगे वो अलग अलग स्टेजेस की वजह से डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट और ग्रेजुअल ग्रोथ हुआ है. द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इज एज ओल्ड एज द एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन. जो स्टोरी है डेमोक्रेसी की वो उतनी ही पुरानी है जितना एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन पुराना है. स्टेट्स इन एंशियंट ग्रीस वर स्मॉल एंड सेल्फ सफिशियंट. जो स्टेट्स थे एंशियंट ग्रीस में वो छोटे थे और सेल्फ सफिशियंट थे, मतलब उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. ऑल द एडल्ट सिटीजन्स, जितने भी एडल्ट सिटीजन्स थे, एक्सेप्ट वीमेन, स्लेव्स एंड फॉरेन नेशनल्स. वीमेन्स को और स्लेव्स को और जो फॉरेनर्स थे उनको छोड़ के, वह कॉल्ड एक्टिव सिटीजन्स. उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था. हु पार्टिसिपेटेड इन लॉ मेकिंग, जो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे. अ पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट दैट कम्बाइंड मोनार्कियल, एरिस्टोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स वर फाउंड इन द रोमन सिविलाइजेशन. एक ऐसा पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट होता था जो कम्बाइन करता था मोनार्कियल, एरिस्टोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को, और वो पाया कहाँ जाता था? रोमन सिविलाइजेशन में. इट वॉज अ रोमन लॉ एंड बिलीफ इन यूनिटी.
ये रोमन कानून भी था और ये बिलीफ था यूनिटी में, विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन यूरोप, जिसकी वजह से यूरोप में डेवलपमेंट हुआ। इट हैड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वेयर इन ऑफिसेज रिक्वायर्ड पॉपुलर इलेक्शन, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते थे और ऑफिसेज में पॉपुलर इलेक्शंस होते थे। अ सिस्टम कॉल्ड फ्यूडलिज्म वॉज प्रैक्टिस इन यूरोप इन द मिडिल एजेस, और मिडिल एजेस में एक सिस्टम था फ्यूडलिज्म, वो यूरोप में प्रैक्टिस होता था, फॉलो किया जाता था। इसमें तीन एलिमेंट थे, द लॉर्ड नोबल्स जो सबसे ऊँचे होते थे, द वैसल रेसिपियंट्स ऑफ लैंड जो लैंड ओनर्स होते थे, एंड द फाइफ मतलब जो लैंड होती थी। द वैसल यूज टू प्रोवाइड मिलिट्री डिटैचमेंट टू द लॉर्ड इन एक्सचेंज ऑफ फ्यूडैलिटी, जो वेसल होता था वो मिलिट्री डिटैचमेंट प्रोवाइड करता था लॉर्ड को, किसके एक्सचेंज में, उसको एक्सचेंज में क्या मिलता था, फ्यूडैलिटी मिलती थी। द ऑब्लाइजेशंस एंड रिलेशंस बिटवीन द लॉर्ड वेसल्स एंड द फाइफ फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूडैलिज्म, जो ऑब्लाइजेशन और रिलेशन था इन तीनों के बीच में, लॉर्ड वेसल और फाइफ के बीच में, इसी के बेसिस से फ्यूडैलिज्म का फॉर्मेशन होता था। एंड जब फ्यूडलिज्म एक एंड पे आया यूरोप में इन 14th सेंचुरी, लॉ एंड ऑर्डर वॉज इन्फोर्स्ड, बहुत से पार्ट्स में लॉ और ऑर्डर इन्फोर्स हुआ यूरोप के बहुत से पार्ट्स में। नेशनलिज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर टू कॉन्सिक्वेंसेस, जो नेशनलिज्म था और जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी, वो दो कॉन्सिक्वेंसेस थी इस डेवलपमेंट के लिए। लेजिस्लेटिव बॉडीज बिगैन टू एमर्ज, कुछ लेजिस्लेटिव बॉडीज का इमरजेंस होने लगा, विच वर कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिनमें क्या होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे हु नो लॉन्गर वर बिलोंग टू एनी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। नाउ दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास, विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेवलपमेंट्स इन इंग्लैंड इन द नेक्स्ट क्लास। सो See you all in the next class. Till then, goodbye. Take care. Stay home. Stay safe. And don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.